गाइस वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों टाटा पंच जब से लॉन्च हुई है तब से टाटा की ही प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोज का सेल्स फिगर कम होने लगा है हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि टाटा पंच ओवर प्राइज्ड है बट इसका बेस वेरिएंट मिड वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है इसी वजह से इसका सेल्स फिगर बहुत ही अच्छा हर महीने हो रहा है और ये टॉप टेन की लिस्ट में जरूर से ज़रूर शामिल हो रही है जबकि वहीं टाटा अल्ट्रोज की बात करें तो ऐसी बात नहीं है कि टाटा अल्ट्रोज का सेल्स फिगर बिल्कुल गंदा हो रहा है उसका भी सेल्स फिगर अच्छा ही हो रहा है पर टाटा पंच आने से पहले उसका सेल्स फिगर जो हो रहा था वो नहीं हो पा रहा है सो so, दोस्तों इन्हीं कारणों बस टाटा अल्ट्रोज एक प्रीमियम हैचबैक है और टाटा पंच एक एसयूवी है फिर भी हम इनका डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो में डियर व्यूअर्स इस वीडियो में हम टाटा अल्ट्रोज और टाटा पंच के उन वेरिएंट्स का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे जो बजट वाइज लगभग सेम है टाटा अल्ट्रोज का एक्सी वेरिएंट जिसका हम डिटेल्ड कंपैरिजन करने जा रहे हैं टाटा पंच के एडवेंचर वेरिएंट के साथ जो कि इसका सेकेंड बेस मॉडल है वहीं टाटा अल्ट्रोज का एक्सी वेरिएंट बेस मॉडल है बात करें प्राइस की तो टाटा अल्ट्रोज़ का एक्सी बेस वेरिएंट 7.52 पॉइंट लैक्स ऑन रोड प्राइस दिल्ली में मिलता है जबकि टाटा पंच का एडवेंचर सेकेंड बेस मॉडल 7.85 पॉइंट लैक्स ऑन रोड प्राइस दिल्ली में मिलता है दोनों में अगर बात करें इंजन की तो दोनों में आपको सेम इंजन मिलता है वन लीटर का अल्ट्रोस के 1.2 लीटर पेट्रोल में आपको 87 सेवन का पावर 6000 थाउजेंड पर 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क 3250 थाउजेंड पर मिलता है इसमें आपको मैनुअल फाइव गियर का ऑप्शन मिलता है जिसमें 19.33 पॉइंट के एम का माइलेज क्लेम किया जाता है वहीं टाटा पंच के 1.2 लीटर पेट्रोल में आपको 84 फोर का पावर सिक्स थाउजेंड पर जबकि वन हंड्रेड फिफ्टीन न्यूटन मीटर का टॉर्क थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड पर मिलता है इसमें भी आपको मैनुअल फाइव गियर का ऑप्शन मिलता है जिसमें ट्वेंटी पॉइंट जीरो नाइन के एम का माइलेज क्लेम किया जाता है तो ये तो बात हो गई इंजन स्पेक्स की बात करें इन दोनों के डायमेंशन की तो आपको टाटा पंच में 163 हंड्रेड mm का लेंथ कम मिलता है थर्टीन एम एम विथ कम मिलता है वहीं हाइट नाइन्टी टू एम mm एम ज़्यादा मिलता है जबकि व्हील वेस भी फिफ्टी सिक्स एम एम कम मिलता है बूट की बात करें तो आपको अल्ट्रोज में थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव लीटर का बूट स्पेस मिलता है जबकि टाटा पंच में थ्री हंड्रेड सिक्सटी सिक्स लीटर का फ्यूल टैंक दोनों में बराबर थर्टी सेवन लीटर के व्हील की बात करें तो दोनों के इन दोनों वेरिएंट में स्टील व्हील्स ही मिलते हैं टाटा अल्ट्रोज में फोटीन इंच के जबकि टाटा पंच में फिफ्टीन इंच के so सो दोस्तों ये तो बात हो गई इन दोनों के बेसिक इन्फॉर्मेशन की आगे बढ़ें अब बात कर लेते हैं इन दोनों के फीचर्स के बारे में पहले दोस्तों हम इन दोनों के कॉमन फीचर्स को देख लेते हैं मतलब ऐसे फीचर्स जो आपको दोनों में मिलते हैं बात करें पहले सेफ्टी के कॉमन फ़ीचर्स की तो दोनों में आपको फाइव स्टार रेटिंग मिल जाती है क्रैश टेस्ट इन दोनों का हो चुका है और दोनों को फाइव स्टार रेटिंग मिला है ग्लोबल एन में दो एयरबैग्स चाइल्ड सी टैंकर पॉइंट्स ए बी इंजन इमोबलाइजर स्पीड सेंसिंग डोर लॉक चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे कॉमन सेफ्टी फ़ीचर्स आपको मिल जाते हैं टाटा ट्रोज और टाटा पंच में बात करें कंफर्ट कन्वीनियंस के कॉमन फीचर्स की तो दोनों में आपको मैनुअल एसी हीटर केबिन बूट एक्सेस रियर पार्किंग सेंसर हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर टिल्ट स्टेरिंग ट्वेल्व ऑल्ट पावर आउटलेट सिक्स बे मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट फैब्रिक सीट बेंच फोल्डिंग रियर सीट डुअल टोन इंटीरियर्स फुल फोल्डिंग रियर सीट फ्रंट हेडरेस्ट फ्रंट कप होल्डर्स फ्रंट पावर विंडोज़ एडजस्टेबल ओ आर बी एम बॉडी कलर डूर हैंडल्स एक्सटीरियर फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स बॉडी कलर्ड बम्पर्स हेलोजन हेडलाइट हेडलाइट हाइट एडजस्टर एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप मीटर एवरेज फ्यूल कंजप्शन डिस्टेंस टू एम्पिटी डिजिटल क्लॉक लो फ्यूल लेवल वार्निंग डूर आजार वार्निंग एनालॉग टेकोमीटर जैसे कंफर्ट कन्वीनियंस के कॉमन फीचर्स आपको मिल जाते हैं टाटा पंच और टाटा अल्ट्रोस के बेस वेरिएंट्स में तो दोस्तों ये तो बात हो गई इन दोनों के कॉमन फ़ीचर्स के बारे में आगे बढ़ें आप बात कर लेते हैं ऐसे फीचर्स के बारे में जो आपको टाटा पंच में तो मिलते हैं लेकिन टाटा ट्रोज़ में नहीं तो वो सारे फ़ीचर्स हैं सीट बेल्ट वार्निंग को ड्राइवर वैनिटी मिरर ऑन सनवाइजर रियर हेडरेस्ट बॉडी कलर्ड ओ आर बी एम टाटा अल्ट्रोज में ब्लैक ओ आर बी एम मिलता है रियर पावर विंडोज़ टर्न इंडिकेटर ऑन ओ आर बी एम रूफ माउंटेड एंटीना फॉलो मी होम हेडलैम्प लाइट्स ऑन बेनिटी मिरर एवरेज स्पीड डिजिटल डिस्प्ले फोर स्पीकर माउंटेड कंट्रोल्स वॉइस कमांड ऑक्स ए एम एफ एम रेडियो और यू जैसे ढेर सारे फीचर्स आपको टाटा पंच में मिलते हैं सेम ही प्राइस में टाटा अल्ट्रोज़ के कंपैरिजन में यही मेन कारण है कि टाटा अल्ट्रोज़ का सेल्स फिगर कम हो गया है टाटा पंच के लॉन्च के बाद वहीं अब उन फ़ीचर्स को देख लेते हैं जो आपको टाटा अल्ट्रोज में तो मिलते हैं लेकिन टाटा पंच में नहीं तो वो थोड़े बहुत फ़ीचर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम अम्ब्रेला होल्डर इनडोर और एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस यही थोड़े बहुत फीचर्स आपको टाटा अल्ट्रोज में तो मिलते हैं लेकिन टाटा पंच में नहीं अगर बात करें वारंटी ऑफर की तो आपको दोनों में तीन साल या फिर एक लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर मिलती है सो दोस्तों यही रहा इन दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन। कंपैरिजन से पता चल जाता है कि दोनों के सेल्स में इतना अंतर क्यों है दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का दिन शुभ हो थैंक यू फॉर वॉचिंग